आपने कई बार अपने दोस्तों से या फिर न्यूज में जरूर सुना होगा कि इंडिया में जल्द ही आपको 5G सर्विस मिलने वाली है और साथ ही आपने ये भी सुना होगा कि आपके स्मार्टफोन में 5G नेटवर्क सपोर्ट नहीं करेगा। तो आप सोचते होंगे आपके नेटवर्क में 4G सपोर्ट करता है, 3G सपोर्ट करता है, 2G सपोर्ट करता है, तो ये 5G सपोर्ट क्यों नहीं करता। अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है निशांत चौधरी और आप देख रहे हैं निशांत भारत। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अगर हम 5G की बात करें यानी फिफ्थ जनरेशन, ये आपको 4G से काफ़ी फास्ट मिलेगा और साथ ही आपकी जो स्मार्टफोन में जो बैटरी कंजम्पशन होता है उसको भी कम करेगा। अगर हम बात करें इसमें काम कैसे करने वाला है, यानी कि आपका स्मार्टफोन जो 4G सपोर्ट करता है वो आखिर 5G सपोर्ट क्यों नहीं कर सकता, तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, वो है आपका जो फोन में लगा हुआ CPU। जो आपका CPU है वो इससे डिजाइन किया गया है कि वो इतनी स्पीड को हैंडल कर सकता है, यानी इतने डेटा को एक साथ वो एनालाइज कर सकता है, उसे रीड एंड राइट कर सकता है। मगर अगर आप उस प्रोसेसर को ज़्यादा स्पीड देते हैं तो वो उसे सपोर्ट नहीं कर सकता, यानी कि आपके स्मार्टफोन में वो काम नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको 5G के लिए एक अलग CPU चाहिए होता है। ये तो हो गई स्मार्टफोन की बात कि स्मार्टफोन में 5G नेटवर्क क्यों सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपका CPU उस स्पीड को हैंडल नहीं कर सकता। अब बात करते हैं कि जो 5G नेटवर्क है वो काम कैसे करेगा, आपके शहर में 5G नेटवर्क आखिर आएगा कैसे। तो देखो, जो 4G नेटवर्क है उसके जितने भी टावर हैं, यानी जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने अपने पूरे इंडिया में जितने भी टावर लगाए हुए हैं, उन टावर के जरिए आपको 5G सर्विस नहीं दी जा सकती, क्योंकि उन टावर की गीगाहर्ट्ज़ अलग होती है, जो 5G नेटवर्क की उसकी गीगाहर्ट्ज़ अलग होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्हीं टावर के ऊपर उस गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी लगाई जा सकती है, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो 5G की जनरेशन यानी 5G नेटवर्क की जितनी भी गीगाहर्ट्ज़ है वो 26 GHz से लेकर 60 GHz के बीच में, इतनी ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ को आप किसी एक टावर से यानी एक बड़े टावर से आप दूसरे ट्रांसमिट नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ होगी उतनी ही आपको कम दूरी देखने को मिलेगी उस नेटवर्क की, यानी कि अगर आप कम गीगाहर्ट्ज़ में कोई डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो आपको ज़्यादा दूर तक वो ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें हम टेलीविजन की, तो सेटेलाइट से जितने भी डेटा छोड़े जाते हैं, जो आपको डिश टीवी, टाटा स्काई, जितने DTH सर्विस है उन सभी को कैप्चर कर सकती है। अगर हम बात करें ऐसे 5G नेटवर्क की, तो अगर 5G नेटवर्क में इतनी ज़्यादा बैंडविड्थ नहीं होती कि वो दूर तक ट्रेवल कर सके, इसलिए आपको उसमें हर जो जितनी भी रेंज होती है वहाँ पर आपको अलग 5G के लिए टावर लगाना होगा। मान लीजिए एक बड़ी बिल्डिंग है, उसके लिए उस बिल्डिंग के अंदर उसके जो सिग्नल के बूस्टर होते हैं उन्हें इंस्टॉल करना होगा, इसी तरह 5G नेटवर्क काम करेगा। इसलिए इन जो एग्जिटिंग टावर्स हैं इनके ऊपर आप 5G नहीं लगा सकते, ये सिर्फ 4G के लिए ही बड़े हैं, इसलिए इनमें से आप 4G नेटवर्क को ही स्पीड ले सकते हैं। अगर हम बात करें 5G की स्पीड की, तो आपको 5G में एक अनुमान के मुताबिक आपको स्पीड मिलने वाली है 6GB से 10GB के बीच में। ये डिपेंड करेगा आपके ऑपरेटर्स में जो कितने गीगाहर्ट्ज़ में आपको डेटा ट्रांसमिट करते हैं। अगर हम बात करें 5G को और क्या फ़ायदे हैं, 5G से आप जितने भी जो मान लीजिए आप कोई 4G में कोई गेम खेलते हैं, यानी कि जिसमें आपको पिंग में जितने भी आजकल ऑनलाइन गेम होते हैं उनमें आपको पिंग से गेम खेला जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास पिंग 60 से 100 के बीच में है तो आपका गेम थोड़ा सा लेग होगा, अगर आपके 60 से नीचे पिंग है तो आपका गेम स्मूथ चलेगा, अगर आपकी पिंग 100 से ऊपर है तो आपका गेम लगभग थोड़ा सा लेग होगा, यानी कि उसमें फ्रेम ड्रॉप आपको मिलेगी। अगर बात करें वो इसमें 5G आप क्या काम कर सकते हैं, तो मान लीजिए अगर आप काम लेना चाहते हैं आप VR या फिर AR, तो आप 5G सर्विसेज ये एकदम आसानी से चला सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर कोई सेमिनार हो रहा है, अगर आप VR लगाते हैं तो आप जो अपने जिस तरह गर्दन घुमाएंगे उसी तरह आपको 5G से डेटा हाथों हाथ ट्रांसमिट होकर वहाँ पर आपको एकदम रियल टाइम वहाँ का व्यू दिखेगा, यानी कि अगर आप अपना चेहरा इस तरह घुमाते हैं तो आपको वहाँ पर जितनी भी है वो आपको 4K क्वालिटी में आपको डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, क्योंकि 5G की स्पीड काफ़ी बेहतर है। आप 5G के अंदर 3D वीडियो को 4K क्वालिटी में स्ट्रीम भी कर सकते हैं, यानी कि 5G अगर आप स्पीड और डाउनलोड और अपलोड की स्पीड की बात करें तो इसमें आपको दोनों स्पीड बराबर मिलती है, इसलिए आपको इसमें कोई भी डेटा या आपकी लिमिट नहीं होती। अब बात करें कि 5G में अगर आप सोच रहे हो कि आपको डेली 1GB डेटा मिलेगा, वो तो 4G में भी काफ़ी कम होता है। तो मैं बता दूँ कि जो 5G होते हैं उसके लिए आपको हर जगह अलग अलग टावर्स लगाए जाएंगे, इसकी वहाँ पर जो डेटा स्पीड होती है वो आपको काफ़ी बेहतर मिलेगी, यानी आपको जो लिमिट है वो भी नहीं मिलेगी डेटा की, क्योंकि डेटा लिमिट इसीलिए लगाई जाती है क्योंकि एक टावर में काफ़ी सारे यूजर्स हो जाते हैं, उन्हें बराबर स्पीड देने के लिए उसमें डेटा लिमिट लगाई जाती है। मैं 5G की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे टावर्स मिलेंगे, इसलिए इसमें डेटा लिमिट लगाने की कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर डेटा लिमिट नहीं मिलेगी। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पता चल चुका होगा 5G नेटवर्क क्या है और ये कैसे काम करेगा, और आपके एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन से उनमें 5G नेटवर्क क्यों नहीं चलने वाला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।